फंसोगे बेटा, सबकी फोटो आ गई, कोई जरूरत नहीं हमने। फंसोगे बेटा, सबकी फोटो आ गई, कोई जरूरत नहीं हमने। महाविद्यालय के अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ, कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। बाहर जो हमारा खेल का मैदान है, वहां से कुछ बाहरी तत्व जो कि बदमाश प्रवृत्ति के थे, वो घुसे और उन्होंने हंगामा किया। हमने तुरंत प्रशासन को बुलाया, पुलिस तुरंत पहुंच गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं पुलिस कर्मियों का, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस घटना को ना होने से रोक लिया। मुझे ये अंशा लगती है कि वो किसी झगड़े की फिराक में थे और सभी भारी तत्व थे। हमने इसकी सूचना तुरंत SHO साहब को और पुलिस प्रशासन को दे दी। सर, कितने लोग थे और कुछ हथियार भी लेके आए थे? हाँ, काफी लोग थे और मैंने तो हथियार नहीं देखे, परंतु सुनने में आया है कि उनके पास कुछ तेज धार हथियार थे, परंतु पुलिस पहुंच गई थी मौके पे, लेडी पुलिस भी पहुंच गई थी, SHO साहब भी पहुंच गए थे, तो कोई अनहोनी घटना से बच गए। सर, इलेक्शन के बारे में बताया जा रही है, सर इलेक्शन हुए हैं, कुछ प्रेसिडेंट वगैरह बनाए गए हैं, कुछ इस मामले में बताएंगे? ये उनके अपने मनगढ़ंती कोई इलेक्शन है, इस तरह की कोई भी इलेक्शन ना ही सरकार द्वारा, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, ना ही महाविद्यालय द्वारा इस तरह का कोई इलेक्शन की प्रक्रिया ना ही है और ना ही कोई आगे होने वाली है। तो ये इस तरह का कोई घटना जो है वो अचंभित करने वाली है कि बाहरी तत्व आज महाविद्यालय के खेल परिसर में घुस गए। तो सर, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था या? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, परंतु जो उनकी अंशा मंशा थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो शराबी किस्म के लोग लगे और जो कि एक माहौल खराब करने का। हमारे महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर साहबान, सभी स्टूडेंट हमारे अनुशासित हैं, सभी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर वहां मौजूद थे, तो इस तरह की कोई शंका तो नहीं। सर, कह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को शिकायत फिर आपके द्वारा दी गई है या कैसे? हाँ, पुलिस प्रशासन को तुरंत शिकायत भी दे दी गई है, SP महोदय को भी प्रार्थना की गई है कि ऐसे तत्वों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी, क्योंकि हम बेबस हो जाते हैं जब अज्ञात लोग महाविद्यालय परिसर के खेल ग्राउंड में इस तरह से घुसे। सर, कोई पहचान हो पाई है जो आए थे? सभी अज्ञात थे, महाविद्यालय का एक भी विद्यार्थी नहीं था। हम वहां खड़े थे, हमने कोई भी एक भी स्टूडेंट महाविद्यालय का नहीं था, सभी के सभी भारी थे। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके मोहल्ले की, खबर आपके शहर की, खबर आपके आसपास की, खबर आपके सरोकार की, आपके जिले की हर खबर को लेकर हम हैं वोकल। देखते रहिए अपने मोबाइल पर News 18 लोकल।